अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए और सारे लेटेस्ट अपडेट पाइए। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना गैन टीवी चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर गाइस आप भी व्हाट्सएप के किसी के भी मैसेजेस अपने फोन की स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। बट उसके लिए मैं आपको बता दूं गाइस, मैं आपको कोई ये नहीं बताने वाला हूं कि मैं आपको कोई QR कोड स्कैन करके दिखाऊंगा या वेब स्कैन करके दिखाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं हूं इस वीडियो में। मैं आपको पूरा क्लियर डिटेल में बता देता हूं। उसके लिए आपको उसका फोन एक मिनट के लिए तो लेना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी है गाइस कि जिसकी मदद से आप बहुत सारे थंबनेल तो देखा होगा आपने कि बिना फोन हाथ लगाए व्हाट्सएप के मैसेजेस अपने फोन की स्क्रीन पे कैसे देखे। ऐसे वीडियो तो हजारों यूट्यूब पे बने हुए गाइस, तो मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूं। आपको पहले क्लियर कर देता हूं, उसका फोन आपको तकरीबन एक मिनट के लिए तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रिक बताने वाला हूं वो गाइस आपको एक मिनट में ही कर लेनी है। और बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि जिसके वजह से आप अपना जो उसका सामने वाले का जो मैसेजेस है व्हाट्सएप के, वो अपने के फोन की स्क्रीन पे बड़े ही आसानी से दिखने लग जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं तो गाइस हम अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको सिंपल मैं बताऊंगा आपका जो व्हाट्सएप है उसे ओपन कर लेना है। बट व्हाट्सएप ओपन करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस ये वीडियो भी सिर्फ मैं नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसका यूज सिर्फ आप नॉलेज पर्पस के लिए करना, कोई गलत एक्टिविटी मत करना। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ पूरा व्हाट्सएप का। देख सकते हो ये जो व्हाट्सएप है, आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सएप अपना ओपन कर लेते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा गाइस, जिससे कि आप सामने वाले जो भी बंदे का अगर आप पूरा चैट देखना चाहते हो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे बड़ी आसानी से देख सकते हो गाइस इस ट्रिक की मदद से। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो बोल दिया था कि आपको एक मिनट के लिए तो उसका फ़ोन लेना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ऐसी कोई मतलब सीक्रेट ट्रिक बनी नहीं है कि जिससे आप किसी का व्हाट्सएप वेब स्कैन। तो बहुत लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप वेब स्कैन कैसे करते हैं, व्हाट्सएप QR कोड स्कैन करके कैसे देखते हैं, तो मैं आपको वो सब डिटेल में ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको पूरा जेन्युइन बताऊंगा गाइस, जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा। आपको ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक देना है और यहां सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको चैट का ऑप्शन दिख रहा है, तो चैट के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। तो यहां कुछ इस तरीके से चैट के ऑप्शन पे जब आप जाते हो तो आप यहां से सिंपली जो सामने वाले बंदे का मैसेज है अपनी फोन स्क्रीन पे, मतलब अपने गूगल पे आप सारे उसके जितने भी चैट से एवरी डे जितने भी वो चैट करता है सारे अपडेट होते रहेंगे। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी मदद से गाइज, तो आपको सिंपली चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। तो चैट बैकअप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गाइज, तो चैट बैकअप पे चले जाना है। जैसे ही चैट बैकअप पे जाते हो तो आपको देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है एक जीमेल, तो गूगल अकाउंट देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है। यहाँ आपको सिंपली यहाँ आपको अपना जीमेल डालना है, यहाँ उसका चेंज करके सिंपली यहाँ आपको अपना जीमेल डाल देना है। और यहाँ से गाइस जो अपना जीमेल डालोगे उसके बाद जो भी काम होएगा, जो भी ये सारा बंदा चैट करेगा, ये आपके फ़ोन स्क्रीन पे मतलब आपके जीमेल अकाउंट पे हमेशा अपडेट होता रहेगा एवरी डे। मतलब जितना चैट कर रहे हो दिन में वो सारा अपडेट होते रहेगा आपके जीमेल अकाउंट पे। तो आप बड़े ही आसानी से गाइस इसके थ्रू आप सामने वाले के जो चैट्स है मतलब व्हाट्सएप के मैसेजेस है बड़ी आसानी से देख सकते हो अपने फोन स्क्रीन पे गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और गाइस इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जेन्युइन तरीका बताया, तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। तो फ्रेंड्स आपने फोन की स्क्रीन पे देखा होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि उसका मोबाइल आपको सिर्फ एक मिनट के लिए लेना है गाइज, और जिसके मदद से आपको सिर्फ अपना जो जीमेल है वहाँ डाल देना है उसके फ़ोन में, और इजीली आप उसके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस है आपके अपने फ़ोन की स्क्रीन पे बड़ी आसानी से देख सकते हो गाइज। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, गाइज अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसे कोई हैक नहीं होता। बहुत लोग आपको वेब स्कैन करके दिखाते हैं, QR कोड स्कैन करके दिखाते हैं, या लिख के देते हैं कि बिना हाथ लगाए मोबाइल आप कहीं से भी व्हाट्सएप को अपने एक्सेस कर सकते, कुछ भी सकते हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाइज। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कि अगर आपको ये बस ये एक तरीका है कि जेन्युइन है कि जिसकी मदद से आप अगर व्हाट्सएप का जो मैसेजेस है देखना चाहते हो तो बड़ी आसानी से देख सकते हो अपने फोन स्क्रीन पे, बस आपको अपना जीमेल डाल देना है उसके फोन में। इसलिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था गाइज कि उसका फोन आपको सिर्फ एक मिनट के ले लेना है, अगर नहीं लेते हो तो फिर ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको पूरा जेन्युइन बताया वीडियो, और बहुत लोग क्या करेंगे इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं गाइज, सच्चाई बोला हो तो बहुत लोग डिसलाइक करेंगे। इसलिए जिनको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अगर आपके कोई सवाल और सुझाव तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।